विपक्ष के नेताओं की बैठक पौने चार घंटा तक चली है और इस बैठक में क्या क्या हुआ ये बातें हम आपको बताएंगे। लगातार पौने चार घंटा तमाम नेताओं की बड़ी मंथन चली, कई मुद्दे रहे, उस मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा हुई। जिस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पहले हम उस बात पर आपको बता देते हैं कि उस पर क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल की बात की अगर हम चर्चा करें तो जिस विधेयक को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे थे, तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे का पहले वाला बयान था, उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी क्या है, जब यह बिल राज्यसभा में आएगा तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन जब अंदर बैठक चल रही थी तो उस वक्त जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस बात में सहमति दी और वहाँ इस बात की चर्चा हुई। कांग्रेस के सामने इस बात को कहा गया कि जब ये विधेयक है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर बिहार आए थे उसको लेकर सहमति उनको मिली है। उद्धव ठाकरे और जो कहा जाए कि शरद पवार हैं उनका। दूसरी बात हम करेंगे, नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया गया है, तमाम नेताओं को एकजुट करके चलने की जो बात है वो नीतीश कुमार को करना है, क्योंकि अब तक वही तमाम नेताओं को मुलाकात करने के बाद ये पहली बैठक यहाँ पर बुलाए हैं। ये तमाम बातें जो अंदर हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात हमने बताई आपको कि जिस तरीके से जो अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम नेताओं को एकजुट करके इसलिए चलेंगे क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, कन्वेनर बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है नीतीश कुमार को जी, ये बड़ी खबर है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को सीधे सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक झटके में कहा जाए कि एक इशारे इशारे में उन्होंने ये बातें कह दी कि कोई भी पार्टी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा। तो कहीं ना कहीं सीट के मामलों को लेकर भी जो है वो बातें उठ गई इसी बैठक में। और यह बातें ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी पार्टी जो है वो दबाव ना बनाए, सीधा इशारा कांग्रेस की ओर है, कांग्रेस ही जो है वो सीट बंटवारा करेगी और कांग्रेस पर ही ये पूरा दबाव जो है बनेगा। इस वजह से ममता बनर्जी ने पहले इस बात को स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि कोई भी पार्टी जो है इस बात के लिए दबाव नहीं बनाए। पहला तीसरी बात जो है वो हुई, तीन बातें जो मुख्य है। सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया गया है और जो कहा जाए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो वो भी बनना है और उसी के तहत काम होगा। यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो होता है जिसके तहत तमाम नेता अपने एकजुट होकर चलेंगे, वो भी बनेगा। कोई भी विपक्ष की जब बैठक होती है तो इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बेहद ज़रूरी होता है, ताकि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है तो उसी आधार पर जो तमाम नेता हैं वो चलते हैं। तो ये तमाम जो चार बिंदु थे इसके लेकर मंथन चली है। अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार को लेकर यह घोषणा भी औपचारिक रूप से कर दी जाएगी, लेकिन जो हमारे पास खबर थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने इस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।